नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल टेरेसा कन्वेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कन्वेंट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन थर्ड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ इंग्लिश लेसन थर्ड। दिस लेसन नेम इज बुंदेलखंड। इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट झांसी। You remember, in previous video, I explained about Jhansi, para number 1 and para number 2. So let's start second place, Archer, and second para, third para. Situated in the district of Tikhamgarh, Archer was set up by Rudra Pratap Singh. It is known for a number of historical places. The most famous places here include the Jahangir Mahal, Raja Ram Temple and Chaturbhuj Temple. Archer kya hai? Kaisi jagah? Situated in the district of Tikhamgarh. Archer jo hai wo Tikhamgarh district mein situated hai. Archer was set up by Rudra Pratap Singh. Aur ye Rudra Pratap Singh ke naam par set up hai. It is known for a number of historical places. यह बहुत ही ऐतिहासिक जगहों के नाम से जानी जाती है। द मोस्ट फेमस प्लेसेज हियर इंक्लूड द जहांगीर महल, राजा राम टेम्पल एंड चतुर्भुज टेम्पल। लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक प्लेस है वह है जहांगीर महल, राजा राम टेम्पल एंड चतुर्भुज टेम्पल, जो कि ऑर्चा में सिचुएट है। अ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इज हेल्ड इन द इवनिंग एट द जहांगीर महल। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है जो कि इवनिंग में जहांगीर महल में होती है। जहांगीर महल में इवनिंग के टाइम एक प्रोग्राम रखी जाती है, एक उत्सव रखा जाता है जिसका नाम है लाइट एंड शाम लाइट एंड शाम प्रोग्राम, विच इज मार्वलस पीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, जो कि एक शानदार, यह मुगल संरचना का एक शानदार टुकड़ा है। The Chaturbhuj Temple is a grand structure of Hindu architecture of 9th century. Chaturbhuj Temple जो है वह हिंदू संरचना की बहुत ही भव्य इमारत है जो कि 9th century में 9वीं शताब्दी में बनाई गई थी। Which the installed idols of Vishnu and has interesting history behind it. जिसमें कि भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति, आइडल्स में होता है मूर्ति, प्रतिमा मतलब उनके उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है, वहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है एंड हैज एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बिहाइंड इट, और उसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक हिस्ट्री इतिहास को दर्शाता है। ऑल दिस प्लेसेज आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड आर विजिटेड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराउंड द एरिया। All these places are located close to each other. यहाँ पे और भी जितनी historical places हैं वो एक दूसरे से नज़दीक ही हैं and are visited by a large number of people around the year. और यहाँ पे हर साल लोगों की एक बड़ी मात्रा आती है इन ऐतिहासिक प्लेसों पे घूमने के लिए। There are a number of other chhatris, cenotaph and temples on the banks of a river. There are a number of other chhatris. यहाँ पे क्षत्रियों की और भी अधिक और ज़्यादा और संख्याएं हैं एंड टेम्पल्स ऑन द बैंक्स ऑफ अ बेटवा, और उनकी बनाई हुई कुछ मंदिर भी है जो कि बेटवा के किनारे सिचुएटेड है। अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस, इट इज द एंट्री ऑफ द टाउन वेयर द अजार टेम्पल इज लोकेटेड। अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस, यह बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर हम जिस शहर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आजाद टेम्पल लोकेटेड है। इट इज डेडिकेटेड टू द पॉपुलर रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद हु हाइड हर फॉर शम्पी। दिस इज डेडिकेटेड टू द पॉपुलर रिवॉल्यूशनरी, यह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी इतिहास को डेडिकेट करता है, दर्शाता है, जो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है। हू हाइड हर हियर फॉर सम, जिन्होंने अपने आप को यहाँ कुछ समय के लिए
छुपा के रखा। आजाद टेंपल में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को कुछ समय के लिए छुपा के रखा था। यह वही स्थान है और यह वही इतिहास को, वही हिस्टोरिकल प्लेसेस को डेडिकेट करता है। ऑफ द सेवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया टू विजिट, ऑर्चा इज वन ऑफ द सेवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। यानी कि भारत में जो 7 मुख्य प्लेसेस हैं उनमें से ऑर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए। यू शुड मेक अप योर माइंड टू विजिट इट समटाइम। आपको अपने दिमाग में, अपने मन में ऐसा सोचना चाहिए कि आप कभी वहाँ कुछ समय के लिए जा सकें, घूमने के लिए कुछ समय के लिए जा सकें। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्लेस खजुराहो। खजुराहो इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स विद अ नंबर ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। खजुराहो हिंदू और जैन टेम्पल्स का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मिलावट है। यानी खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों धर्म के टेम्पल्स की एक बड़ी मात्रा आपको देखने में मिल जाएगी। दे आर मोर ऑफ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन देन अ रिलीजियस वन। यहाँ पे जो टूरिस्ट है, पर्यटक है, वह धर्म स्थानों की वजह से उनका जो यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ आकर्षण है, वह हमेशा बना रहता है। क्योंकि खजुराहो जो है वह एक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थान सिचुएटेड है, जिनमें से मोस्ट जैन और हिंदू रिलीजियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उनकी एक बड़ी मात्रा वहाँ पे सिचुएटेड है। द टेम्पल्स आर कार्व्ड फ्रॉम स्टोन। यहाँ के जो मंदिरें हैं उनको स्टोन से तराशा गया है। आर सो मैग्निफिकेंट दैट खजुराहो हैज बीन नोटिस्ड एज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आर सो मैग्निफिकेंट दैट खजुराहो हैज बीन नोटिफाइड एज वन ऑफ द यूनेस्को। यहाँ की जो भी मूर्तियां हैं, जो भी पत्थरे हैं, वह किस चीज से तराशी गई है? स्टोन से तराशी गई है। और इसकी जो विरासत है, परंपरा है, स्थान है, वह यूनेस्को को भी सूचीबद्ध ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड को भी सूचित करती है, यानी उससे जुड़ी है। Most of these temples were built in the 10th and 11th century by Chandela kings. Most of these temples, इसके जो अधिकतर मूर्तियाँ हैं, were built in the 10th and 11th century. वह 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाई गई by Chandela kings. 10वीं और 11वीं शताब्दी के जो राजा चंदेला थे उनके द्वारा यहाँ की अधिकतर मूर्तियाँ 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाई गई खजुराहो की मूर्ति। ऑफ दीज द मोस्ट फेमस इज द केंद्रिया महादेव टेम्पल, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है केंद्रिया महादेव टेम्पल। मोर टेम्पल्स आर बीइंग एक्सकवेटेड एंड इट इज वर्थ टू विजिट सच टेम्पल्स बीइंग डग। और भी बहुत सारे टेम्पल्स की खुदाई की गई। इट इज़ वर्थ टू विजिट सच टेम्पल्स बीइंग डग। और बहुत ही योग्य और बहुत ही अच्छी मूर्तियों की, यहाँ और भी अधिक मूर्तियों की खुदाई की गई। यू कैन विजिट दिस टेम्पल्स टू नो हाउ एग्जामेशन इज अंडरटेकिंग एंड हाउ वी आर अनअर्थ आवर पास्ट हिस्ट्री। आप यहाँ घूम करके, यहाँ आ करके घूम करके टेम्पल्स के बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार से इनके खोखलेपन को उभारा गया और इनको खोज कर पास्ट की जो पिछली इतिहास है, जो बीते हुए समय की इतिहास है, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए, उनको किस प्रकार से निकाला गया, किस प्रकार से उनको डग आउट किया गया। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्लेस पन्ना। पन्ना इज नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस। पन्ना जो है वह अपने हीरे की खान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जानी जाती है। बट इफ यू थिंक दीज आर द ओनली थिंग्स टू सी, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बस एक डायमंड ही है जिसके लिए पन्ना जाना चाहता है, यू मे बी रॉन्ग, तो आप गलत हो। इट इज़ अ प्लेस वेयर यू विल लव टू स्टे। यह ऐसी जगह है जहाँ आप रुकना बहुत ही पसंद करोगे। इट हैज़ अ फाइन मिक्सचर ऑफ हिस्ट्री, रिलीजियस एंड नेचर। यह इतिहास, धर्म और प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा मिलावट है। यहाँ पे
तीनों चीज़ें आपको विस्तृत रूप से देखने को मिल सकती हैं। 15 वर्ष तक कैपिटल और छत्रस्थ द ग्रेट बैरियर हु कन्फ्रंट विच औरंगजेब एंड अदर मुगल रूलर्स। पन्ना छत्रस्थ का कैपिटल है जहाँ महान योद्धा औरंगजेब और भी अदर रूलर्स से सामना होता है। मस्तानी वाज हिज एडॉप्टिव डॉटर। मस्तानी इनकी एडॉप्टिव यानी गोद ली हुई पुत्री थी। एंड ही हैड इन्वेंटेड बाजीराव टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द मुगल्स व्हेन ही ग्रू बिग टुवर्ड्स हिज ओल्ड एज। और जब यह औरंगजेब जब बूढ़े होने लगे तो उन्होंने मस्तानी के रक्षा के लिए बाजीराव को चुना। बाजीराव को मस्तानी की रक्षा के लिए रखा जब ये बूढ़े होने लगे। ही प्रोटेक्टेड द टेम्पल्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एट द हैंड्स ऑफ द मुगल्स। सो ही इज रिवर्ड इवन ही प्रोटेक्टेड। वह मुगल्स के हाथों से अपने टेम्पल्स को नाश होने से बचाते रहे। सो ही इज रिवर्ड इवन इसीलिए यह हमेशा आदर के पात्र है। पन्ना इज अ सीट ऑफ प्रणामी से। पन्ना प्रणामी संप्रदाय के स्थान पर स्थित है, सिचुएटेड है। फाउंडेड बाय प्रणाथ जो प्रणाथ के द्वारा खोजी गई है। हु वाज द गुरु ऑफ छत्रस्थल थी जो छत्रस्थल के भी गुरु रह चुके हैं। छत्रस्थल पन्ना जो है छत्रस्थल की कैपिटल है और जो प्रणाथ है वह पन्ना और छत्रस्थल दोनों के गुरु रह चुके हैं। और लास्ट वेयर इज हेल्ड हियर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर अप्रैल। एक बड़ी यहाँ पे हर साल अक्टूबर के मंथ में एक बड़ी मेला लगती है। हियर द टेम्पल आर द फाइन एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर। और यहाँ पे जो टेम्पल्स दिए गए हैं आप अपने बुक में देख सकते हैं। यह पन्ना के संरचना में पन्ना के जो मंदिरों की संरचना है उनमें से एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। द फाइनेस्ट अट्रैक्शन इन पन्ना इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे जो फाइनेस्ट अट्रैक्शन है एक और अट्रैक्शन का कारण है पन्ना में, वह क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनके शरण स्थल। वेयर यू कैन सी अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे आप बड़ी मात्रा में जंगली जानवरों को प्राकृतिक स्थान पर रहते हुए देख सकते हैं, जिनमें टाइगर है इंक्लूडिंग टाइगर डियर हिरण है एंड सेवरल बॉक्स और भी कई प्रकार के पक्षियाँ हैं। यू फील अ सेंस ऑफ एडवेंचर व्हेन यू ड्राइव थ्रू द फॉरेस्ट। जब आप जंगल से होके जाते हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही साहसिक कार्य और बहुत ही साहसिक चीज़ों को एडवेंचर्स को आपको देखने को मिल सकता है। रुबेला लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्रपुर। रुबेला इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की एक और इंटरेस्टिंग प्लेसेस है जो कि छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यह बहुत ही एक्साइटिंग प्लेसेस है। इट्स मेन अट्रैक्शन इज द महाराजा छत्रस्थल म्यूजियम। यहाँ का जो सबसे मेन अट्रैक्शन का प्लेस है वह महाराजा छत्रस्थल का म्यूजियम है। मेड इज इन वन ऑफ हिज पैलेसेस जो कि उनके बहुत सारे पैलेसेस हैं उनमें से महलों में से एक है। यू कैन नो द टाइप्स ऑफ वेपन्स। यहाँ पे आप बहुत ही प्रकार के वेपन्स जो तलवार हैं उनके प्रकार देख सकते हो। ड्रेसेस उनके छत्रस्थल के ड्रेसेस देख सकते हैं। अदर आर्टिकल्स दैट वर यूज्ड इन द 17th and 18th centuries और भी बहुत सारी वस्तुएं चीज़ों को देख सकते हो जो 17th और 18th centuries में लोगों द्वारा राजाओं महाराजाओं द्वारा यूज किया जाता था। देर इज अ जैन गैलरी टू हाउसिंग ओल्ड आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे जो शिल्प कृतियाँ हैं वह हिंदू के साथ साथ जैन गैलरी से भी रिलेटेड है। लोकेटेड विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द म्यूजियम इज द मस्तानी महल। द पैलेसेज ऑफ मस्तानी हू बिकेम द वाइफ ऑफ बाजीराव। लोकेटेड विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ म्यूजियम इज द मस्तानी महल। यह जो म्यूजियम है वह मस्तानी महल के पास लोकेटेड है। द पैलेसेज ऑफ मस्तानी हू बिकम द वाइफ ऑफ बाजीराव।
वह महल मस्तानी का वह महल जब वो मस्तानी बाद में बाजीराव की पत्नी बनती है। अराउंड द म्यूजियम आर ऑल्सो लोकेटेड अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस विच आर वर्थ अ विजिट। इनके चारों तरफ और भी बहुत सारे म्यूजियम लोकेटेड हैं जो कि ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो भी प्लेसेस हैं बुंदेलखंड के झांसी औरछा खजुराहो पन्ना दुबेला बिजौल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस ऑफ बुंदेलखंड। सो टुडे दैट्स ऑल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू सम क्वेश्चन आंसर एंड सम एक्सरसाइज। एनी प्रॉब्लम देन मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स एंड योर होमवर्क फाइंड हार्ड वर्क एंड रीड द स्टोरी केयरफुली। इफ एनी प्रॉब्लम इफ एनी डाउट इन दिस स्टोरी प्लीज आस्क मी वंस अगेन। सो दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे।